गुड मॉर्निंग। तो अभी हम सीपीपी नंबर 41 कंटिन्यू कर रहे हैं अपना, जो 1 से 5 पिछले लेक्चर में डिस्कस हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 6 to 10। क्वेश्चन नंबर 6th and 7th वर्टिकल सर्कुलर मोशन पे बेस्ड हैं। क्वेश्चन नंबर 6th, ये सीपीपी लिंक होगा इस वीडियो के साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अ पार्टिकल ऑफ मास m इज फिक्स्ड टू वन एंड ऑफ अ लाइट रोड ऑफ लेंथ l एंड रोटेटेड इन वर्टिकल सर्कुलर पाथ अबाउट इट्स अदर एंड। ये रोड वाला क्वेश्चन है, ना कि स्ट्रिंग वाला। आपको इस बात का ध्यान रखना है, रोड वाला क्वेश्चन है। द मिनिमम स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट द हाईएस्ट पॉइंट मस्ट बी। देखो दो बातें थी, अगर ये एल लेंथ की स्ट्रिंग होती, अगर ये रस्सी होती, तो हाईएस्ट पॉइंट पे जाके कम से कम वी मिनिमम होना था अंडर रूट जीएल, और टी मिनिमम होता है 0 अगर ये रोप होती तो। लेकिन अगर ये रोड है तो रस्सी ढीली होने का तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि ये तो रिजिड रोड है। तो बस यहां पहुंच जाए, तो ये हमने पढ़ा था उसके लिए भी मिनिमम 0, और हमने ये भी निकाला उसके लिए लोवेस्ट पॉइंट पे मिनिमम, यहां तो निकल के आता है अंडर रूट 5 GL, और यहां निकल के आता है अंडर रूट ऑफ 4 GL, ये हमने सीखा हुआ। सो इसका आंसर आ गया 0, 6th का ए। क्वेश्चन नंबर 7th, इन द प्रीवियस क्वेश्चन द पार्टिकल इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट एट द हाईएस्ट पोजीशन। मान लो कि यहां आते आते वो रेस्ट पे आ गया है और फिर वो थोड़ा सा आगे कर दिया गया, तो ये हमें मानना है। रिलीज फ्रॉम रेस्ट का ये मतलब नहीं कि नीचे की तरफ आएगा, रिजिड रोड से बंधा हुआ है तो जाना तो उसे सर्कल में ही पड़ेगा, सर्कल में ही चलना होगा। देखिए कैसे, ये देखते हैं। इन द पार्टिकल इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट, मतलब हाईएस्ट पॉइंट पे ये सेंटर पॉइंट है, ये वो बॉल है जिसकी मास, मान लो पार्टिकल का मास m है, और रिजिड रोड ऑफ लेंथ l है, और ये हाईएस्ट पॉइंट है, और यहां इसकी काइनेटिक एनर्जी 0 है। यहां से इसको रिलीज किया, मतलब नीचे से रूट 4 GL दी तो जस्ट यहां पहुंचा और एक हल्का सा धक्का दिया, बस ये है। तो द टेंशन इन द रोड इज 0, इज जीरो, इज जीरो, कैनॉट बी जीरो, मतलब हमें यह पता करना है कि किसी वक्त टेंशन 0 होगी या नहीं। तो मान लो किसी भी जनरल एंगल थीटा पे आप आए और मैं कहता हूं कि इस जगह रोड में टेंशन कितनी होगी, 0, जब आप किसी एंगल थीटा पे आए, तो सबसे पहली बात यहां आते आते क्योंकि नीचे आ रहा है तो कुछ स्पीड बढ़ी होगी, मान लो स्पीड है वी। अब देखो इस पे नीचे की तरफ एक फोर्स लग रहा है mg, ये एंगल थीटा, तो इस फोर्स का इधर जो कंपोनेंट आएगा दैट विल बी mg cos थीटा, और v स्पीड है तो अंदर की तरफ एक्सेलरेशन होगी v2 / l। तो अगर मैं न्यूटन लॉ लगाऊं तो t + mg cos थीटा, या आप इसको और क्लियर करें तो mg cos थीटा + -t, क्योंकि रस्सी होती तो केवल खींचती, रोड धक्का भी दे सकती है, दैट इज इक्वल टू m × v2 / l। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टी इज 0, हमें ये चेक करना है, इट मीन्स mg cos थीटा इज इक्वल टू m × v2 / l, m से m कैंसिल हो गया एंड v स्क्वायर इज कमिंग आउट टू बी gl cos थीटा। तो एक कंडीशन तो हमें ये पता लगी कि यहां आते आते v स्क्वायर इतना हो जाएगा gl cos थीटा। एक बार आप v स्क्वायर निकालो एनर्जी कंजर्वेशन से, क्यों, क्योंकि ये जो टेंशन होती है हमेशा 90 डिग्री पे लगती है एक्सटर्नल, ये कोई तो वर्क करेगी नहीं, और mg कंजर्वेटिव फोर्स है, तो बाय मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, सपोज मैंने इसी को 0 लेवल मान लिया, मैं कहता हूं यहां पे gp 0 है, मैं इसको फाइनल बोल रहा हूं, तो जो gp इनिशियल, ये हाइट देखो, ये हाइट, ये l है, ये थीटा, तो ये बना l cos थीटा। तो जो ऊपर वाली जो हाइट बची वो आपको दिख रही है l - l cos थीटा, ये जो हाइट है दिस इज l × 1 - cos थीटा। तो 0 लेवल से जब आप इतना ऊपर थे तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी थी mg l × 1 - cos थीटा, यहां पोटेंशियल एनर्जी 0, और यहां काइनेटिक एनर्जी है अगर स्पीड भी है तो ½ mv2। बाई एनर्जी कंजर्वेशन की मदद से अगर आप इक्वेशन बनाए तो इन दोनों का सम बराबर इन दोनों का सम, यानी कि इक्वेशन आती है ½ mv2, यहां तो सम यही बनता है, इज इक्वल टू mg l × 1 -
कोस थीटा, एम से एम गया और ये भी स्क्वायर निकल के आया 2gl माइनस 2gl कोस थीटा। एक बार आपने वी स्क्वायर न्यूटन लॉ से निकाला और एक बार बाई एनर्जी कंजर्वेशन, तो इन दोनों को इक्वेट किया फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू gl cos थीटा दिस इज इक्वल टू 2gl माइनस 2gl cos थीटा, इधर आके जुड़ा तो 3gl cos थीटा दिस इज 2gl, gl gl कैंसिल और यू कैन से cos थीटा इज 2 बाई 3 और थीटा इज cos इनवर्स ऑफ 2 बाई 3। तो ये लगभग वैसे ही सवाल है जैसे कॉन्टेक्ट ब्रेक होना, कहां जाके कॉन्टेक्ट ब्रेक हुआ वहां नॉर्मल जीरो किया, यहां का टेंशन जीरो हुआ टेंशन जीरो कर दी, एक जैसे से सवाल है ये। तो ऐसा ऑप्शन है इसका सी कि टेंशन इज जीरो व्हेन इट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ कोस इनवर्स 2 बाई 3 विद द वर्टिकल, वर्टिकल के साथ ये एंगल। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 7। 6th और 7th दोनों सर्कुलर मोशन पे थे, वर्टिकल सर्कुलर मोशन पे, रोड के साथ अटैच वर्टिकल सर्कुलर मोशन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, तो थोड़ा डायमेंशन यूनिट एंड डायमेंशन वाले टाइप का है लेकिन आसान सवाल है। If the unit of force and length each be increased by 4 times, then the unit of work is increased by, भाई work की unit होती है 1 joule, 1 joule is 1 newton into 1 meter, 1 joule is 1 newton into 1 meter, if this unit be increased by 4 times, पहले के मुकाबले 4 times होगी, this unit also increased by 4 times, और 1 जूल अभी भी ये है 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर, एक चीज 4 टाइम्स बढ़ गई दूसरी भी 4 टाइम्स, तो इनका प्रोडक्ट कितने टाइम इंक्रीज हो गया, तो इसका मतलब जो 1 जूल है वो पहले के मुकाबले अब कितनी बड़ी हो जाएगी 16 टाइम्स, क्योंकि अब भी 1 जूल वही है, डेफिनेशन वही है 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर, लेकिन 1 न्यूटन पहले से 4 गुना बड़ा हो गया, 1 मीटर पहले से 4 गुना, तो उनका प्रोडक्ट 16 टाइम्स बड़ा हो जाएगा, तो आंसर आ गया ए। क्वेश्चन नंबर 9th और 10th ये फिर से दोनों एक ही कॉन्सेप्ट पे कॉम्प्रिहेंशन टाइप सवाल हैं, इन पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, अ पार्टिकल ऑफ मास 2 kg इसका मास दिया है, इज सब्जेक्टेड टू अ फोर्स गिवन बाय एफ इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस 2y आई कैप प्लस 2x माइनस y स्क्वायर j कैप। हियर कंडीशन कंसीडर इज एवरी क्वांटिटी इन SI यूनिट, the particle has a kinetic energy of 8 by 3 joule, kinetic energy of particle कब, जब वो 2 meter, 3 meter पे था तो वो 8 by 3 joule थी, mass of the particle है 2 kg, केवल एक ही force F लग रहा है बस ये। consider the following statements, आपको तीन statement दी है पहले तो वो check कर दी। पहली statement, F is conservative, हमने आपको बताया था conservative check करने का तरीका होता है कर्ल निकाल लो, अगर कर्ल जीरो आ जाए तो वो कंजर्वेटिव है, आपने कर्ल लिया आई कैप जे कैप के कैप पार्शियल डेरिवेटिव्स वाली लाइन एंड आखिर में एफ के कंपोनेंट, एफ के कंपोनेंट है माइनस 2x प्लस 2y, 2x माइनस y स्क्वायर एंड जीरो, इसको ओपन किया फर्स्ट ब्रैकेट इनटू आई कैप माइनस सेकेंड ब्रैकेट इंटू जे कैप एंड प्लस थर्ड ब्रैकेट इंटू के कैप, फर्स्ट ब्रैकेट में इसको ढका, ये डिफरेंशिएशन जीरो माइनस, और ये जेड के रेस्पेक्ट में इसमें कहीं जेड आ नहीं रहा तो ये भी कॉन्स्टेंट जीरो, सेकेंड इसको ढका एक्स का जीरो का तो जीरो माइनस, इसको ढक लिया इसका जेड के रेस्पेक्ट में कहीं जेड नहीं आ रहा जीरो, थर्ड में इसको ढका एक्स के रेस्पेक्ट में आएगा टू माइनस, इसका 2x का तो 0 और 2y का 2, तो ये सब कट के 0 आ गया, इसका मतलब अगर कर्ल 0 आ गया तो ये श्योर है कि जो f है तीनों कंपोनेंट 0 आ गए तो f कैसा है कंजर्वेटिव। तो पहली स्टेटमेंट तो सही है, दूसरी पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड फॉर f, बिल्कुल सही है क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्सेस के कोरस्पोंडिंग ही पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन होती है। थर्ड मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज कंजर्व, अब देखो इसने क्वेश्चन में एक स्टेटमेंट दी है कि ओनली दिस फोर्स एफ इज एक्टिंग, जब भी कभी कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा हो आप उसको इंटरनल फोर्स बना दिया करो सिस्टम का, और पार्टिकल पे जो मैकेनिकल एनर्जी रहेगी
कंजर्वेटिव फोर्सेस की वजह से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, इसलिए मैकेनिकल एनर्जी क्या रहेगी, कंजर्व रहेगी। कंजर्वेटिव फोर्सेस की वजह से मैकेनिकल एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ेगा तो तब पड़ेगा जब या तो एक्सटर्नल फोर्स नॉन जीरो वर्कर या कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नॉन जीरो वर्कर है, तब जाके फर्क पड़ेगा। तो इसका मतलब इसके तीनों स्टेटमेंट चाहिए। तो मतलब मेनली आपको एक चीज चेक करनी थी, उसी से हो गया। अब टेंथ, इन द प्रीवियस क्वेश्चन द स्पीड ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट रीचेस 1 मीटर, 2 मीटर। अब ये कहता है कि आप स्पीड बताओ जब ये 1, 2 पे पहुंचा है तो क्या है। अब मैकेनिकल एनर्जी तो कंजर्व है यहाँ, तो आपको ना पहले पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन निकालना होगा, तब बात बनेगी आगे। एनर्जी कंजर्वेशन हम लगा देंगे, लेकिन पहले पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन निकालना होगा। पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन निकालने के लिए हमने डीएस लिखा, डीएक्स आई कैप प्लस डीवाई जे कैप प्लस डीजेड के कैप, एफ लिखा हुआ है 0 के कैप, फिर आपने एफ डॉट डीएस किया, एफ डॉट डीएस, क्योंकि एफ से एस यू का एक्सप्रेशन ऐसे निकालते हैं। आप इसको चाहे डीआर बोल दो, डीआर भी बोल सकते हैं, डीएस भी बोल सकते हैं। तो ये आया फर्स्ट टर्म माइनस 2xdx प्लस 2ydx, नेक्स्ट प्लस 2xdy माइनस y2dy, और आगे कुछ है नहीं। अब du होता है माइनस ऑफ एफ डॉट dr, तो आपने माइनस इसके साथ लगा दिया या माइनस एफ डॉट ds, तो du आपका आया, एक टर्म होगी 2xdx, एक टर्म आप वो उठा दो लास्ट वाली प्लस की y2dy, और इन दोनों को इकट्ठा करके लिखो, ये जो बीच के बचे माइनस लग जाएगा, माइनस 2 कॉमन एक्स डी वाई डी एक्स पहली टर्म है प्लस एक्स डी वाई। आपको याद होगा ये एक परफेक्ट डिफरेंशियल है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्स के साथ एक्स है, इसमें वाई के साथ वाई, इसमें प्रॉब्लम है, लेकिन ये परफेक्ट डिफरेंशियल है। तो हमारा डी यू आ गया 2xdx प्लस y2dy माइनस 2 टाइम्स डी ऑफ एक्स वाई। इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स, तो यू आया पहला इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई टू, टू से टू गया, प्लस वाई क्यूब बाई थ्री माइनस टू टाइम्स एक्स वाई, और साथ में कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन एड होगा। तो ये आपका यू का एक्सप्रेशन आ गया कि किसी भी जगह पे जो यू होगा दैट विल बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई क्यूब बाई थ्री माइनस टू एक्स वाई प्लस सम कॉन्स्टेंट, ये आपका यू का एक्सप्रेशन आया। अब काइनेटिक एनर्जी यहां पता है, तो एक बार आप यहां पोटेंशियल एनर्जी निकाल दो, 2.3 पे पोटेंशियल एनर्जी, 2.3 पे पोटेंशियल एनर्जी, x की जगह 2 4, y की जगह 3, एक 3 कटेगा 9 बचेगा, माइनस 2 × 2 × 3 3 तो 6 तो 12 प्लस c, ये 1 ही आ गया, यानी कि 1 प्लस c। आपको ये पता लग गया कि 2.3 पे पोटेंशियल एनर्जी 1 प्लस c। अब आप 1.2 पे पोटेंशियल एनर्जी लिख लो, पोटेंशियल एनर्जी एट 1.2, एक्स की जगह 1 तो 1, वाई की जगह 2 8/3 माइनस 2 × 1 × 2 4 प्लस सी, या 8/3 माइनस 3 प्लस सी, ये एलसीएम लिया 3, सो दिस इज माइनस 1/3 प्लस सी, ये आ गया। और ये हमें स्पीड निकालनी है, आप 1.2 पे काइनेटिक एनर्जी लिख दो, 1.2 पे काइनेटिक एनर्जी हाफ एम, एम 2 दिया है और वी स्क्वायर, तो ये आपका वी स्क्वायर आ गया। अब आप लगा दो केवल एनर्जी कंजर्वेशन, क्योंकि ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने पढ़ा कि भाई एनर्जी कंजर्वेशन तो यहां वैलिड है, तो अब हम एनर्जी कंजर्वेशन लगाएं इसमें, देखें कैसे। बाय मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन के तरीके से अब आप देखिए, पोटेंशियल एनर्जी एट 2.3 इज 1 प्लस सी, प्लस काइनेटिक एनर्जी एट 2.3 इज 8/3 इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट 1.2 पे अभी निकाली थी 1.2, ये भी माइनस 1/3 प्लस सी, एंड काइनेटिक एनर्जी एट 1.2 इज वी स्क्वायर। सी से सी कैंसिल हो गया, कॉन्स्टेंट से दिक्कत नहीं आई, 1 प्लस 8/3 और ये भी इधर आके 1/3 इज इक्वल टू वी स्क्वायर, दिस इज 9/3 यानी कि 3, इट मींस 4 इज इक्वल टू वी स्क्वायर। स्पीड नेगेटिव हो नहीं सकती है, तो स्पीड इज कमिंग आउट टू बी 2 मीटर पर सेकेंड। ये आपका 10th।
ए ऑप्शन आ गया। तो ये वो रिमेनिंग 5 क्वेश्चन थे जो मैंने अभी आपके लिए डिस्कस किए हैं। इसके अलावा एडिशनल होमवर्क है वर्क एंड एनर्जी एनसीईआरटी से चैप्टर 6 और एचसीवी से चैप्टर 8। एचसीवी के मैंने कुछ 10-12 सवाल लास्ट के आपको वर्टिकल सर्कुलर मोशन के करने के लिए दिए थे, तो पहले वो आप कंप्लीट करके रखिए, अगला डिस्कशन जो होगा पहले उनका होगा। थैंक यू।